अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बिस्किट से बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। शायद ही इससे पहले आपने सरक रेसिपी देखी हो, तो चलते हैं रेसिपी बनाने के लिए। ये रेसिपी बनाने के लिए आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मीठे कम वाले लें, जिसमें मीठा कम हो वहीं आप लें। ये सारे बिस्किट हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और इनको हम ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर सा बना लेंगे। ये देखें, सारे बिस्किट का हमने पाउडर बना लिया है। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया, इसके अंदर एक चम्मच भर के मैं देसी घी का डालूंगी। आप भी कोशिश कीजिएगा घी का ही इस्तेमाल करें, ऑयल इस्तेमाल ना करें इसमें रेसिपी में। घी को हम थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो गया। अब जो पाउडर बना के बिस्किट का रखा हुआ था हमने चूरा करके, वो इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम रख के इसको चम्मच के साथ हम हल्का सा भुनेंगे, क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी ये पके होते हैं, इनको ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हल्का सा हम इनको सुपर टेस्टी करने के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने से इसके टेस्ट में और भी इजाफा हो जाएगा। इसको हल्का सा आप ज़रूर फ्राई कर लीजिएगा। बिस्किट हमारे फ्राई हो गए हैं। ये एक कप मैंने दूध लिया, ये इसके अंदर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में टोटल एक ग्लास दूध जाएगा, लेकिन एकदम से हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये दो चम्मच भर के मैंने पिसी हुई चीनी लिया, ये इसके अंदर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अच्छी तरह हम चम्मच के साथ इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको और भी सुपर टेस्टी करने के लिए इसके अंदर मैंने ये मिल्क पाउडर डाला है, 4 टेबलस्पून। ये ज़रूर डालिएगा, ये इस रेसिपी की जान है, इस रेसिपी को और भी ज़्यादा टेस्टी करेगा। ये मैंने एक चम्मच देसी घी डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जितनी हमारी रेसिपी की बुनाई अच्छी होगी, उतनी ही ये बहुत ही मज़े की टेस्टी सी बनेगी। टोटल इसके अंदर हम 3 बड़े चम्मच देसी घी के डालेंगे, एकदम से हम नहीं डालेंगे, साथ साथ हम डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह हम मैश करेंगे, इनको अच्छी तरह भुनेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह या लम्स वगैरह ना रहे। इसको और भी शाइनिंग करने के लिए ये देखिए 1 चम्मच मैंने घी और डाल लिया। घी डालने से ये कितना इसका मज़े का टेक्सचर आ रहा है, ये देखें जिस तरफ भी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ ये होता जा रहा है। ये देखें हमने इसके अंदर कोई भी खोया नहीं डाला और ना ही किसी और चीज़ का हमने इस्तेमाल करा, हाल ही ये बिस्किट है और इसकी इतनी मज़े की और टेस्टी रेसिपी बनेगी आप सब हैरान रह जाएंगे। अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। इसका सारा काम इसकी रेसिपी का जो है ये बनाई का है। इसको जितना हम अच्छी तरह भूनेंगे इतनी ही हमारी रेसिपी टेस्टी बनेगी और बहुत यूनिक सी बनेगी। जब ये रेडी हो जाएगा तो ये नीचे से पैन छोड़ना स्टार्ट कर देगा, इससे पता चलेगा कि हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखें जिस तरफ भी इसको मैं फोल्ड करती हूँ होती जा रही है। ये मैंने एक ट्रे लिया है जिसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया और ऑयल से ग्रीस कर लिया। कोई भी शेप का ले सकते हैं, अगर नहीं तो थाली भी ले सकते हैं। थोड़े से मैंने कटे हुए बादाम नीचे इसको फैला लिए हैं। ये सारे बिस्किट की जो रेसिपी है इसके अंदर हम इस तरह डाल देंगे। ये हमने काम पहले करना है ट्रे वाला, क्योंकि गर्म गर्म ही इसको हम इसके अंदर प्रेस करेंगे। चम्मच के साथ दबा दबा के अच्छी तरह हम प्रेस कर लेंगे।
और अगर ठंडा मौसम है तो किचन के काउंटर में ही इसको 1-2 घंटे के लिए रख दें, वरना इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें ठंडा होने के लिए। मैं इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखें जी, हमारा ठंडा हो गया। छुरी से हम इसके किनारे छुड़ा लेंगे। और पीछे हम हल्का सा टैप करके इसको निकाल लेंगे। हमने नीचे बटर पेपर लगाया था इसलिए ये आसानी से निकल आएगा। बटर पेपर को हम ऊपर से रिमूव कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी ऊपर से लुक आई है। अब हम छुरी के साथ इसको किसी भी शेप में काट लेंगे। ये देखें जी, हमने कितनी मज़े की बिस्किट की बर्फी बना के रेडी कर ली है। ये लग नहीं रहा कि हमने बिस्किट की बर्फी बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे खोए की या मिल्क की हमने बनाई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसको मैं अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से इसका टेक्स्चर कितना सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएगी। आप बाज़ार से इस तरह की रेसिपी चीज़ें लाना भूल जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगी। फैमिली में दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।